हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपस टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए हमने थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली है, एक दो टॉपिक रहता है उसे और कवर करेंगे। इसके बाद जो है हम फोकस करते हैं जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हरियाणा से, पुराने नए जितने भी बनते हैं, जितने क्वेश्चन मुझे मिलते हैं मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी। ओके, तो आज जो हम इसमें 250+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हरियाणा जीके से। पुराने क्वेश्चन भी हैं, नए क्वेश्चंस भी हैं, तो सभी तरह के हैं, देखते हैं। देखिए, हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है 21वां स्थान। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 1.34%। हरियाणा राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? अब सिरसा का है। और कुल क्षेत्रफल कितना है सिरसा का? 4,277 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। और पंचकुला का कुल क्षेत्रफल कितना है? 742 वर्ग किलोमीटर। फरीदाबाद के बाद जिस जिले का क्षेत्रफल कम है वो है पंचकुला का। कितना है इसका क्षेत्रफल? 742 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा जिले की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण तथा उपोष्ण स्टेपी। हरियाणा प्रदेश की मुख्य ऋतुएं कौन सी है? तो ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना, सरस्वती, घग्गर, साहिबी, इंदौरी और मारकंडा। ये जो है हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं। हरियाणा की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? खलीलपुर, दमदमा, कोटला, बड़खल, सुल्तानपुर। हरियाणा राज्य का मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया हुआ है? तो प्राकृतिक भागों में मतलब चार भागों में विभाजित किया हुआ है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, हरियाणा प्रदेश प्राकृतिक रूप से कौन कौन से भागों में विभाजित है? तो शिवालिक पहाड़ियां, मैदानी क्षेत्र, रेतीला और अरावली। तो अभी हमने चार भागों में विभाजित किया था, तो वो चारों भाग हैं शिवालिक की पहाड़ियां, मैदानी भाग, रेतीला और अरावली पहाड़ियां। हरियाणा प्रदेश में औसत वर्षा का मान कितना है? 30 से 110 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के किस स्थानों पर होती है? उत्तरी भाग के शिवालिक क्षेत्र में। हरियाणा में उच्चतम वर्षा का मान कितना है? 200 सेंटीमीटर। न्यूनतम वर्षा किन क्षेत्र में होती है? तो दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी भाग में। हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो दो है। कौन से हैं? सुल्तानपुर और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यमुनानगर में है। प्रदेश में अभयारण्यों की संख्या देखें तो ये है 8। ठीक है, अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, चिलचिला हो गया, अबूब शहर हो गया, ये सारे हैं वन्य अभयारण्य। खप्परवास है, फिर भिंडावास है, ये सारे हैं अभयारण्य। ओके, हरियाणा प्रदेश भारत के किस क्षेत्र में है? तो हरियाणा है उत्तर पश्चिम में। हरियाणा प्रदेश का भूगोल पर अक्षांशीय मान कितना होता है? तो देखिए ये होता है 27° 39' से 30° 55' उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर पूछे तो 74 28 से 70 36 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये 74 से 77 और ये 27 से 30 होता है। हरियाणा राज्य के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व में है उत्तर प्रदेश। उत्तर में पूछे तो हरियाणा राज्य के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। पंजाब राज्य हरियाणा के किस दिशा में है? तो ये उत्तर पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान। ओके, हरियाणा प्रदेश में कितने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? रबी और खरीफ। ठीक है, हरियाणा राज्य की मुख्य फसलें कौन सी है? गेहूं, चना, दलहन, जौ, मटर, तिलहन, चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, जवार और बाजरा। ये है मुख्य फसलें हरियाणा की। प्रदेश में कुल कितनी कृषि कितनी भूमि कृषि योग्य है? तो 3.80 मिलियन हेक्टेयर। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जा सकती है? तो कुल क्षेत्रफल के 86% भाग पर। हरियाणा में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये होता है सिरसा में। धान का कटोरा हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो वैसे तो करनाल, करनाल भी आता ऑप्शन में, लेकिन कई बार संयुक्त रूप से भी पूछ लेते हैं, तो करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? तो गन्ने का किया जाता है यमुनानगर में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है हरियाणा के सिरसा जिले में। हरियाणा में सिंचाई के लिए कौन से साधन उपयोग किए जाते हैं? तो नहरी तथा नलकूप। हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं? तो 4 फूड पार्क हैं, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था।
ठीक है। फूड पार्क देख लीजिए कहाँ कहाँ पर है, नरवाना जींद में है, राई सोनीपत में है, सा अम्बाड़ा में और डबवाली सिरसा में है। ओके, हरियाणा में हाई टेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है गुरुग्राम में। पेट्रोकेमिकल हब हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है, पानीपत को। रतन व आभूषण पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है, गढ़ी हरसरू में। हरियाणा में आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है पंचकुला व आईएमटी मणेसर में। साइबर सिटी तथा मेडी सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, गुरुग्राम को। हरियाणा में सीमेंट उद्योग कहाँ पर स्थित है, तो ये सूरजपुर में है। मारुति कार का उद्योग गुरुग्राम में है। हरियाणा में साइकिल उद्योग कहाँ स्थित है, तो सोनीपत और फरीदाबाद में है। हरियाणा में प्रमुख बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है, तो ये है रेवाड़ी में। हरियाणा में प्रमुख ऊन उद्योग कहाँ स्थित है, हिसार और पानीपत में। इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र हरियाणा में कहाँ पर है, फरीदाबाद में। सैनिटरी उद्योग हरियाणा में बहादुरगढ़ में है। प्लास्टिक उद्योग फरीदाबाद में है। औषधि का रूप काम कहाँ होता है, हरियाणा में गुरुग्राम और हुंडा हेड़ा में। लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ और भिवानी में। सोरे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है हरियाणा में हिसार और सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक क्वार्ट्ज पाया जाता है महेंद्रगढ़ में। चीनी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है गुरुग्राम में। हरियाणा में किस वर्ष में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया था, 1970 में। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस राज्य के पुनर्गठन के समय प्राप्त हुआ, पंजाब राज्य के। हरियाणा का विधानमंडल में कितने सदनीय है, 1 सदनीय। हरियाणा के विधानमंडल को क्या कहा जाता है, विधानसभा। कुल सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा में 10 सदस्य, राज्यसभा में 5 सदस्य। पहले राज्यपाल थे हरियाणा के धर्मवीर और मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल थे आनंद बाबू स्वरूप। और डिवीजनों की संख्या कितनी है, तो 6 मंडल है टोटल। अब प्रदेश के 6 मंडल कौन कौन से है, तो अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। तो पहले ये 4 थे, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद जो है ये अभी नए बनाए गए हैं। जिलों की संख्या 22 और 22वां जिला चरखी दादरी बना है। हरियाणा राज्य में तहसील है 93, उप तहसील है 50, ब्लॉक या खंडों की संख्या 140, गाँव की संख्या 6083 और कुल आबाद गाँव है 6841 और ग्राम पंचायत है 6198। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन रहा, दिल्ली सल्तनत व मुगल सत्ता के अधीन। 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बनाया था, पंजाब का। तो पंजाब और हरियाणा मतलब पंजाब हरियाणा को जो है पंजाब का हिस्सा कब बना दिया था, 1858 में बना दिया गया था। ठीक है, जैन काव्यों से हरियाणा के किस जिले की समृद्ध की जानकारी मिलती है, रोहतक की। हरियाणा के किस स्थान से अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ था, टोपरा अम्बाड़ा से। हरियाणा के टोपरा से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कितने अभिलेख लिखे हैं, तो 7 अभिलेख लिखे हैं। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो थी ये सोनीपत से प्राप्त हुई थी। और ये किस वंश के राजाओं का परिचय मिलता है इन ताम्र मुद्राओं से जो सोनीपत से प्राप्त हुई, तो पुष्यभूति वंश। 9वीं सदी में निर्मित भोजदेव का अभिलेख कहाँ से मिला है, जिससे हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये पेहोवा कुरुक्षेत्र से मिला है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है, तो लाडनू राजस्थान। किस स्थान से हड़प्पा कालीन पक्की ईंटें प्राप्त हुई, बनवाली फतेहाबाद से। मौर्यों की समाप्ति के बाद हरियाणा में किसका शासन शुरू हुआ था, वो योद्धे गण का। योद्धों की विस्तृत राजधानी कहाँ थी, प्रकृतनाक, वर्तमान नौरंगाबाद में। हरियाणा में पुष्य भूमि वंश के शासक अर्श के विशाल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, थानेसर कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के क्षेत्र थानेसर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण करके किस राजा को पराजित किया था, तोमर शासक अजय पाल को। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने किन राजाओं की संयुक्त सेना को हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान तथा गोविंद राय की। फिरोजशाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर हिसार में किस नगर की स्थापना की थी, फतेहाबाद की। हरियाणा के प्रथम भक्ति संत कौन थे, दादू दयाल। वीरभान ने नारनौल में किस पंथ की स्थापना की, सतनामी पंथ की। वीरभान ने नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी 1543 में। 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई थी हरियाणा में 10 मई 1857 ईस्वी को, कहां से, अम्बाड़ा छावनी से। हरियाणा के हांसी, हिसार तथा सिरसा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। 19वीं सदी में प्रसिद्ध भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्रिका प्रकाशन किसने किया था, विशंभर दयाल शर्मा ने। 1880 में स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा के किस स्थान पर आर्य समाज की एक शाखा की स्थापना की गई थी, रेवाड़ी में। आर्य समाज की प्रक्रिया स्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने 1886 ईस्वी में किस सभा का गठन किया था, सनातन धर्म सभा का। लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई, 1887 में।
पानीपत में 1920 ईस्वी में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। हरियाणा के रोहतक में 12 अक्टूबर 1886 को ही कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा में अध्यक्षता किसने की थी? तुरबाज खान ने। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली राजनीतिक सभा कब और कहां आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पानीपत में 1920 में। असहयोग आंदोलन की समाप्ति पर वर्ष 1923 में यूनियनिस्ट की स्थापना किसने की? चौधरी छोटूराम और मियां फैजल हुसैन ने मिलकर। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 18वां है, पहले 17वां था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद जो अब 18वां स्थान है। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 के अनुसार? 2,53,51,462 है। पुरुषों की संख्या थी 1,34,94,734 और स्त्रियों की थी 1,18,56,728। सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद की, न्यूनतम जनसंख्या पंचकुला की है। हरियाणा राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले हैं 15। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं? अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद और पलवल। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 6 राज्य कौन कौन से? पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और रेवाड़ी। ठीक है, संपूर्ण हरियाणा राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही? तो वो रही गुरुग्राम की। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही झज्जर की। हरियाणा राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला मेवात था, 907 था इसका। हरियाणा का न्यूनतम लिंगानुपात वाला सोनीपत और गुरुग्राम था, 854। साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 75.55 और पुरुषों की है 84.04, महिलाओं की है 65.94%। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर है 84.69% और न्यूनतम साक्षरता दर वाला है मेवात, जिसकी साक्षरता दर है 54.08%। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला पुरुष साक्षरता में सबसे आगे है? तो रेवाड़ी। और जो पुरुष साक्षरता में सबसे पीछे है वो है मेवात। यहाँ पे देख सकते हैं रेवाड़ी में 91.44% पुरुष जो है वो शिक्षित है और मेवात में जो है सिर्फ 69.94% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला गुड़गांव है, जिसमें 77.98% महिलाएं जो है वो साक्षर हैं और मेवात जो है सबसे कम है 37.08 के साथ है। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक, राजकीय पक्षी काला तित्तर, राजकीय खेल कुश्ती, मुख्य भाषा हिंदी व हरियाणवी। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित निकिराम शर्मा को। प्रथम राज्य कवि थे उदय भानु हंस। प्रथम हरियाणवी प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म की निर्मात्री कौन थी? सौभाग्य देवी शंकर। हरियाणा में लिखे गया प्रथम उपन्यास कौन सा था? जाड़ू फिरी। हरियाणा का लोह पुरुष बंसीलाल को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है मोरनी हिल पंचकुला को। देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार। सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। उद्योग पुरस्कार है मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार। सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है राज्य शिक्षक पुरस्कार। हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 3 है रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार में। हवाई अड्डे कितने हैं? तो 5 है हिसार, करनाल, पिंजौर, भिवानी और नारनौल में। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय? 12,152 प्राथमिक विद्यालय है और माध्यमिक विद्यालय 2,168 और कुल कितने महाविद्यालय हैं? 213 महाविद्यालय। विश्वविद्यालय जो है 6 है हरियाणा में। प्रदेश में कुल कितने डाकघर हैं? तो 2,650। तार घर 210 हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 441 हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 94। सहकारी समितियां 634। ओके, हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, पुष्प कमल है। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? सेबल मृग कहा जाता है। प्रदेश के राजकीय पक्षी काला तित्र को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा भारत का कैसा राज्य है? भू आविष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड। ठीक है, शिवालिक श्रेणियां हरियाणा के किस भाग में है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में और किस जिले में है? ये पंचकुला में। अरावली जो पहाड़ियां हैं पर्वत श्रेणियां दक्षिण भाग में है और 4 जिलों में ये फैली है। कौन कौन से? फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। शिवालिक पहाड़ी और अरावली पर्वतों के मध्य भूभाग कैसा है? विशाली मैदान भाग है। शिवालिक और अरावली पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित विशाली मैदान भाग की ऊंचाई कितनी है? तो 200 से 300 मीटर। हरियाणा प्रदेश का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो 93.76%। ओके, इसकी मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? तो पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर। हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदियों द्वारा निर्मित है? घग्गर, यमुना। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र को अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? तो घग्गर यमुना मैदान के नाम से।
हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सपाट समतल है? तो 68.21% है। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग तरंगित तथा उर्मिल मैदान है? 25.55%। तरंगित मैदान किसे कहा जाता है? जिस मैदान में पहाड़ियों के ठूंठ पाए जाते हैं। और उर्मिल मैदान है, जिस मैदान क्षेत्र में रेत के टीले पाए जाते हैं। राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है? 3.09% भाग। अरावली पर्वत की पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर से अधिक। राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग शिवालिक पर्वतों से घिरा है? तो 1.67%। राज्य की कौन सी सीमा अरावली पर्वतमाला से जुड़ी है? तो दक्षिणी पश्चिमी सीमा। घग्गर नदी प्रदेश की कौन सी सीमा से में बहती है? पश्चिमी सीमा में। शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक। भूगोलवेताओं के अनुसार हरियाणा को मुख्यतः कितने भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? 8 में। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किन जिलों में फैली है? अंबाड़ा, पंचकुला और यमुनानगर। और कौन सी नदियां निकलती है? घग्गर, मारकंडा और सरस्वती। अरावली पर्वत श्रेणी कितनी दूर तक फैली है? 800 किलोमीटर तक। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर श्रृंखला अरावली श्रृंखला के किस पर्वत पर है? तो यह है माउंट आबू पर। अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। शिवालिक पर्वत को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मानक पर्वत के नाम से। शिवालिक श्रेणियों की सबसे ऊंची पहाड़ियां कौन सी हैं? मोरनी पहाड़ियां। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? करहो की 1514 मीटर। शिवालिक पर्वतों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो। करहो चोटी किस पहाड़ी पर है? शिवालिक की मोरनी पहाड़ियों पर। गिरिपाद मैदान किसे कहा जाता है? शिवालिक पहाड़ियों की दक्षिण में 25 किलोमीटर तक बनी चौड़ी पट्टी के मैदान को। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घर कहते हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली 12 मासी नदियों द्वारा मैदानी क्षेत्र में बनाए गए खड्डे क्या कहलाते हैं? चो। गिरिपाद या पर्वतीय मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 375 मीटर। शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक तथा यमुना से घग्गर नदी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मैदान से। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगर के नाम से। जलोढ़ मैदान की औसत ऊंचाई 220 से 280 मीटर। हरियाणा के पूर्वी भाग में यमुना नदी द्वारा बनाए गए मैदान को क्या कहा जाता है? बाढ़ का मैदान। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बैट कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को कहा जाता है नैली। तरंगित बालू मैदान किसे कहा जाता है? छोटी पहाड़ियों के पास मिट्टी के जमाव से बने मैदानों को। हरियाणा में अनकाई दलदल किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में। मोरनी पहाड़ियां पंचकुला जिले के पास है। हरियाणा के सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक भाग कौन सा है? मैदानी भाग। प्राचीन समय में हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो दक्षिण भाग को। हरियाणा के मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट। हरियाणा के किस मैदान की ढाल अत्यंत मंद है? तो जलोढ़ मैदान की। तरंगित बालू मैदान हरियाणा के किन जिलों में पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में। सर्वप्रथम हरियाणा की जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1971 में। हरियाणा की जनगणना भी कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष के। नवीनतम जनगणना कब हुई थी? 2011 में। कौन सी जनगणना थी? ये 5वीं जनगणना थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले फरीदाबाद की कुल जनसंख्या कितनी है? 18,09,733। और पंचकुला की कुल जनसंख्या कितनी है? 5,61,293। न्यूनतम जनसंख्या वाला ये पंचकुला। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 19.90%। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व 11वां स्थान है। कितना है जनसंख्या घनत्व हरियाणा का? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है फरीदाबाद। कितना है यहाँ पे जनसंख्या घनत्व? 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या वाला है पंचकुला। न्यूनतम जनसंख्या वाला ठीक। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का नवीनतम जिला चरखी दादरी जो 16 नवंबर 2016 को बना था ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या है? 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है दोनों मिलाकर केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर? तो 31वां स्थान है ठीक है। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में सभी राज्यों में कौन सा स्थान है राज्य और केंद्र शासित मिला के? तो 22वां। 2011 में हरियाणा के जनगणत्व में कितनी वृद्धि हुई है? तो 95 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा से संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और ऋग्वेद से। हरियाणा का प्राचीन स्थल मीता थल किस जिले में स्थित है? तो ये है भिवानी में। किन प्राचीन स्थलों से चूड़िया प्राप्त हुई है? तो सीसवाल, राखीगढ़ी और मीता थल से। हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के।
महाराजा अग्रसेन ने हिसार के निकट किस स्थान पर व्यापारियों के समृद्ध नगर की स्थापना की थी? अग्रोहा में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा है? महाभारत में। किन प्राचीन संकलनों में से हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? भद्रबा उचरित, कथा कोश, दिव्यावदान, मझिम निकाय, हरश्चरित तथा राज तरंगिणी में। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? टोपरा से प्राप्त अभिलेख। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का उल्लेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हिसार से। पेवा से प्राप्त किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि पेवा घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो भोजदेव से, भोजदेव के अभिलेख से। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो लाडनू अभिलेख में। किस अभिलेख से चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया अभिलेख में। हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावृत। किस स्रोत में छठी शताब्दी के आसपास कुरुक्षेत्र का उल्लेख श्रीकंठ जनपद के रूप में मिलता है? तो बाण भट्टकृत हरिश्चरित में। किसका बोध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख है? रोहतक और अग्रोहा का। हरियाणा के किस स्थान से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के प्राप्त हुए? तो मीथा थल से। हरियाणा से प्राप्त कुषाण कालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक। किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? वामन पुराण में। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? शांतनु ने। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गण विद्यमान है? अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धे गण के साथ मिलकर। कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र में अग्र गणराज्य था? तो बरवाड़ा अग्रोहा से प्राप्त सिक्कों से। हरियाणा के किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? तो योद्धे गणराज्य। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? अग्र गणराज्य। विचित्र आकार की ईंट किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई थी? दौलतपुर से। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा के किस जिले में है? तो यह कुरुक्षेत्र में। किस ग्रंथ से पता चलता है कि भरत सिंह दुधीर के निवासी थे? तो जैमिनीय ब्राह्मण से। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए किन क्षेत्रों का उल्लेख है? रोहतक और सिरसा का। कौन सा प्राचीन सैंधव स्थल सिरसा जिले में है? तो वो है बनावली। ठीक है, तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड 250 क्वेश्चंस। एक लास्ट रिवीजन है इनकी, क्योंकि जेई का पेपर आने वाला है, तो सभी क्वेश्चंस को भी हमने देखे थ्योरी रिवाइज की, इसी तरीके से क्वेश्चन भी जितने मिलते हैं उतने क्वेश्चंस जो है रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।